मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। फाइनेंशियल प्लानिंग में निवेश की जल्द शुरुआत को काफी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि इससे वेल्थ क्रिएशन करने में आसानी होती है, लेकिन क्या सिर्फ निवेश की जल्द शुरुआत ही वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी है, या कुछ ऐसे और अहम फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है? तो क्या है वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला? जल्द निवेश शुरू करने के क्या है फायदे? यही आज हम समझने वाले हैं अपने शो में बहुत ही आसान भाषा में और कई सारे उदाहरण के साथ। और हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान शो में शामिल हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ हैं JRL मनी के को फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट विजय मंत्री। विजय जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद, सीजन्स ग्रीटिंग आपको और आपके व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत ही बढ़िया ये मौका है जब हम आपके साथ ये शो कर रहे हैं। और निवेश की अगर शुभ शुरुआत करनी है तो इससे बेहतरीन अवसर और कौन सा हो सकता है? इसलिए आज शो में क्या हम खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम दर्शकों को बताएंगे कि वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, साथ ही आज हम शो में जानेंगे निवेश शुरू करने का सही समय क्या होता है, क्या सिर्फ रिटर्न के लिए निवेश करना सही होता है, साथ ही आज हम ये भी जानेंगे जल्दी निवेश शुरू करने के क्या हैं फायदे। तो वेल्थ क्रिएशन के कई ऐसे फायदे हैं या कई ऐसे पड़ाव हैं जिनको आज समझना बेहद जरूरी है। और विजय जी, आप जितने भी आज हमें उदाहरण के तहत समझाएंगे उससे दर्शकों को समझने में काफ़ी आसानी होगी कि आखिरकार हम क्या आज बात और अहम बात आज दर्शकों के सामने करने जा रहे हैं। हर कोई हमसे यही जानना चाहता है कि पैसे से पैसे कैसे बनाए जाए, मतलब वेल्थ कैसे कमाई जा सकती है अपने निवेश से। तो क्या वाकई वेल्थ क्रिएशन का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, लेकिन उसके पहले आपने एक बहुत ही बुनियादी सवाल किया सामने कि क्या पैसे से पैसे कमाया जा सकता है। ये सवाल ये नहीं कमाया जा सकता, कमाया तो जा सकता है लेकिन कमाया जाना चाहिए। पैसा कमाने के जनरली तीन तरीके होते हैं। आप अपना समय दें, मतलब आप कहीं रोजगार कर रहे हैं, कहीं आपका बिजनेस है, अपना टाइम दे के आप पैसा कमा रहे हैं। दूसरा है आप अपना दिमाग लगा के पैसा कमा रहे हैं, और दिमाग लगा के पैसा कमाना मतलब आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। आप जिंदगी के इस पड़ाव से कब पहुंचे कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो आपके खर्चे के बराबर हो जाए। जितना जल्दी आप उस पड़ाव पे पहुंचेंगे तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। दूसरा, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट इनकम इतना कर ले कि वो आपकी इनकम के बराबर हो जावे तो आपने अपना एक क्लोन इकट्ठा कर लिया, अपना क्लोन बना लिया। तो ये बहुत जरूरी है कि पैसे के थ्रू पैसा बनाया जाए। और फॉर्मूला क्या है उसके अंदर? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, रिटर्न क्या आएगा बाजार से, कौन सी एसेट कैटेगरी के अंदर आएगा, डेट में आएगा या गोल्ड में आएगा या इक्विटी में आएगा या इंटरनेशनल इक्विटी में आएगा, इसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। मैं आपको छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूं कि 2010 में अगर हम सब लोग बैठे होते और चर्चा करते कि कहां पैसा डालना है तो सब लोग बोलते कि इंडिया में पैसा डालिए। लेकिन पिछले 10 सालों में US मार्केट ने और जापानीज मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगले आने वाले 10 सालों में क्या होगा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो रिटर्न पे ध्यान मत दीजिए, समय पे ध्यान दीजिए। तो जो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको पैसा लगाना है। पैसा लगाएंगे उसके ऊपर रिटर्न आएगा, रिटर्न वो 8% आएगा, 6% आएगा, 10% आएगा, 12% आएगा, समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है रिटर्न इतना बढ़ेगा जितना आप उसको टाइम देंगे। रिटर्न जो रेट ऑफ रिटर्न है वो खाली लीनियर, वो ऐसे बढ़ती है खाली, लेकिन अगर आपने टाइम दिया तो ऐसे बढ़ जाती है एकदम। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आपका वेल्थ क्रिएशन में है कि आप वेल्थ क्रिएशन होने को इतना समय दे रहे हो। आप जितना ज्यादा समय दोगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा और आपका वेल्थ क्रिएशन बहुत ज्यादा होगा। इनिशियल अमाउंट मैटर करता है, रेट ऑफ रिटर्न मैटर करता है, लेकिन जो बड़ा डिफरेंशिएशन है, जो रियल हीरो है इन्वेस्टिंग का, वो है लंबा समय। तो लंबा समय मतलब ये एक
मूल मंत्र है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में ध्यान में रखने की जरूरत है, और लंबा हीरो मतलब लंबी अवधि या लंबी रेस का जो निवेश होता है वही हमेशा वेल्थ क्रिएशन के लिए मददगार होता है। यहाँ पर जैसा हम आपसे समझ पा रहे हैं विजय जी, कि अगर मानिए एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए हमने उनको नाम दिया और इन्वेस्टर बी है, दोनों एक ही समय पर निवेश की शुरुआत करते हैं और एक ही रकम से निवेश की शुरुआत करते हैं। अब मानिए एक निवेश की शुरुआत करते हैं अपने 26 उम्र से और वो लगभग रिटायरमेंट या 65 साल की उम्र तक निवेश करते हैं। दूसरे निवेशक जो हैं वो 19 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं और 26 साल तक उनका निवेश तो रहता है, लेकिन उसके बाद वो निवेश अपना रोक देते हैं और उसके अलावा सेविंग्स को भी टच नहीं करते। इन दोनों ही केस में दोनों का जो वेल्थ है वो कैसे बढ़ेगा, अगर हम माने 10% रिटर्न दोनों ले रहे हैं अपने इस वेल्थ में, तो यहाँ पर जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वेल्थ क्रिएशन का जो पूरा एक फॉर्मूला है, दोनों इन्वेस्टर्स के लिए कैसे अलग हो जाता है? देखिए, पहला है जो इन्वेस्टर ए है जो कि शुरू में इन्वेस्ट नहीं करता, जब उसको नौकरी मिलती है, जब वो अपना बिजनेस रोजगार चालू करता है, उसको लगता है कि जो उसकी पेंट अप डिमांड है, उसको मोबाइल फोन लेना, हॉलीडे एक्सपेरिमेंट करना है, उस पर ध्यान देने लगता है। तो शुरू के 8 साल में 19 साल से 26 साल तक सपोज वो इन्वेस्ट नहीं करे, और 26 साल के बाद सपोज करे कि 20,000 रुपया हमने एक छोटा अमाउंट लिया, वो इन्वेस्ट करे हर साल, तो वो 40 साल तक इन्वेस्ट करता है। तो 40 साल के टोटल इन्वेस्टमेंट के करियर में उसने करीब करीब 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन दूसरा इन्वेस्टर जो 19 साल की उम्र में चालू करता है और खाली 26 साल की उम्र तक रखता है, 20,000 रुपया वो भी सेव करता है लेकिन खाली 8 साल तक रखता है, तो एक इन्वेस्टर ने 1,60,000 रुपया खाली इन्वेस्ट किया और दूसरे इन्वेस्टर ने 29 साल की उम्र में चालू, 26 साल की उम्र में चालू किया और 65 साल की उम्र तक 40 साल तक वो इन्वेस्ट करता रहा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिसने 1,60,000 रुपया लगाया है उसका कॉर्पस 96 लाख के आसपास है और जिसने 8 लाख रुपए लगाया है उसका कॉर्पस 88 लाख रुपीज के आसपास है, क्योंकि जो 19 से 26 साल की उम्र में जिसने पैसा लगाया उसने अपने पैसे को ग्रो होने को ज्यादा टाइम दिया और खाली 8 साल का फर्क है, लेकिन 8 साल के फर्क में रिटर्न देखिए आप, इसने 1/5 पैसा डाल के भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट खड़ी कर ली है। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जल्दी चालू कीजिए और लंबे समय तक रखेंगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा बनेगा। तो इसमें क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, पहले विजय जी ऐसा ही होता था कि जो आय होती थी उसमें से जो हमारे एक्सपेंसेस होते थे वो हटाकर जो पैसा बचता था उसको इन्वेस्ट किया जाता था, लेकिन अब जो है वो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा जो रूप है वो बदल गया है। अब जो इनकम है उसमें से इन्वेस्टमेंट घटाकर फिर एक्सपेंस जो बचता है उसको लोग खर्च करते हैं। तो दोनों ही जो तरीके हैं, दोनों ही जो फॉर्मूले हैं, उससे अपना गोल फास्टर अचीव करने में कितनी आसानी हुई है? देखिए, ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि आपके पास जो इनकम है उसमें से पहले खर्चे निकाले, उसके बाद जो बचता उसको आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि कोई समय था कि जहां प्रॉपर्टी में भी अच्छा पैसा बन जाता था, आपका बैंक FD 8%, 9% था, टैक्स फ्री बॉन्ड कोई टाइम 8-8, 9-9, 10-10% रिटर्न देते थे, डेट फंड में आपको अच्छे रिटर्न छूटते थे, इक्विटी बाजार में बहुत अच्छा, जैसे आप कोई टाइम था कि 2004-5-8 के पीरियड में 20-20% एनुअलाइज रिटर्न छूटता था, तो समय एकदम अलग था, तो उस टाइम आप थोड़ा सा भी सेविंग करके बड़ा पैसा बना सकते थे। आने वाले पीरियड में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। एक बहुत बड़ा सवाल जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं किसी भी कारण से, कि आज इंटरेस्ट रेट इंडिया के अंदर 5% के आसपास हो गया है। बैंक FD, अच्छे बैंक की FD 5-5.5% के बीच में आपको रिटर्न दे रही है, वो भी लॉन्ग टर्म की। अगर अब आप सोचो कि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, अगर आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है और इंटरेस्ट रेट 5% है, तो क्या कभी भी आप रिटायरमेंट की ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं क्या? तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले फॉर्मूला क्या एस्टेब्लिश किया जाए, पुराने नॉर्म्स को छोड़ा जाए, क्योंकि पुराने नॉर्म्स में डेट में डबल रिटर्न आता था, इससे आने वाले समय में डेट का रिटर्न आधा हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो पुराना फॉर्मूला छोड़ के सबसे पहले अपना जो सबसे पास का गोल है, आपको कॉन्टिंजेंसी इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, उसके बाद जो आपका सबसे लंबा गोल है, रिटायरमेंट का गोल है, उसके लिए सेविंग करना चाहिए। और वो सेविंग कैसे, बहुत सिंपल तरीका है,
चेंज द फॉर्मूला, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना है और उसके बाद जो पैसा बचा है उसको हमको खर्च करना है। अगर आप ये फॉर्मूला करेंगे तो आपको अपने सारे गोल अचीव करने में आप सक्षम रहेंगे, और कोविड जैसी जो अनसर्टेनिटी आई है उसकी वजह से जो आपको चैलेंजेज आ रहे हैं, अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते पहले तो शायद आपको चैलेंजेज अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब जागे तभी सवेरा, अभी भी आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले अपना इन्वेस्टमेंट करें और सबसे पहले कॉन्टिंजेंसी एंड इमरजेंसी फंड का क्रिएशन करें, उसके बाद इमीडिएटली सबसे पहले रिटायरमेंट गोल के बारे में सोचें और रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। अगर आप ये करेंगे फॉर्मूला से, ये सबसे पहला फॉर्मूला है, और आगे हम शो को बढ़ाएंगे तो आने वाले दो तीन चार चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं इन्वेस्टर को और बताने की कोशिश करूंगा। तो कंटिंजेंसी फंड और रिटायरमेंट प्लानिंग, ये बहुत ही दो अहम पड़ाव है फाइनेंशियल प्लानिंग या किसी के भी निवेश की लाइफ में, जो कि ध्यान में रखने के ज़रूरी है। विजय जी, कई जो निवेशक होते हैं वो हमसे सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे बेहतरीन रिटर्न मिल जाए निवेश में पहले ही, मतलब रिटर्न चेजिंग जो एक इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला लोगों ने अपने लिए क्रिएट कर लिया है, वो कितना एक निवेशक के लिए नुकसान पहुंचा सकता है कि आप सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं, ना आपको आपने गोल अपने लिए सेट किया है, ना आपने अपने लिए कोई अवधि सेट की है। आपने स्वाति जी बहुत अच्छा सवाल किया, और ये जब हम इन्वेस्टर के सामने बैठते हैं कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, ये सबसे पहले मैटर ऑफ डिस्कशन का हो जाता है, और उसके बाद दूसरा मैटर होता है कि बाजार क्या लग रहा है। एक्चुअली इन दोनों का कोई मतलब नहीं, लेकिन सारा डिस्कशन उसके अराउंड ही होता है, ये सही देखने का तरीका नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, सबसे पहले कहीं भी आप इन्वेस्ट करें तो पहले देखें कि मेरी सेफ्टी ऑफ कैपिटल है, क्या मेरा पैसा सुरक्षित है, सबसे पहले इस सवाल का जवाब हासिल करें। अगर इस सवाल का जवाब ना में मिलता है या कॉन्फिडेंटली हाँ नहीं मिलता है तो अपने को आगे जाना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कि पैसा सुरक्षित है या नहीं। उसके बाद आता है लिक्विडिटी, सेफ्टी के बाद लिक्विडिटी। जब सेफ्टी का बॉक्स आपने टिक कर लिया तो आप लिक्विडिटी के ऊपर जाइए कि जिस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फ्यूचर नीड के लिए, जब मुझे चाहिए क्या मैं उस पैसे को हासिल करके अपना नीड फुलफिल कर सकता हूँ। तो सेकंड है लिक्विडिटी, सेफ्टी का बॉक्स टिक होने के बाद आपको लिक्विडिटी का बॉक्स टिक करना है। ये दोनों बॉक्स टिक होने के बाद ही आपको रिटर्न का बॉक्स टिक करना है। लेकिन क्या होता है अक्सर कि रिटर्न का हम पहले देख लेते हैं, रिटर्न एक दफे दिमाग में बैठ गया तो फिर हम सब जस्टिफाई करते हैं कि लिक्विडिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, मुझे मालूम था मैं रिस्क टेक करूं, लेकिन ये देखने का तरीका एकदम गलत है। जैसे मैं आपको और इतना, लेकिन इन्वेस्टर की साइकोलॉजी में इतना इंग्रेंट हो चुका है कि उसके बारे में सोचना इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक एनालॉजी देता हूं कि हम जो खाना खाते हैं, खाने का सबसे बड़ा फंक्शन है न्यूट्रिशन टू द बॉडी और एनर्जी, दो सबसे बड़े कारण हम खाना खाते हैं। लेकिन फूड टेस्ट, फूड हैबिट्स क्या करता है, टेस्ट बड्स। और आप देखिए कितना, अगर हम मैथमेटिक्स लगाएं, आपको गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन का खाने का अर्ज आपकी जीभ से आता है, आपकी जीभ है 2 इंच की, गुलाब जामुन वहां 1 मिनट टिकेगा, लेकिन उसके बाद आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उसको पचाने में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हम उस टाइम नहीं सोचते, मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करते। तो फूड हैबिट जैसे टेस्ट ड्राइव करने लग गया, वैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न ड्राइव करने लग गया। और अगर हम खाली टेस्ट बड के हिसाब से खाना खाएंगे तो इनडाइजेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली अगर खाली रिटर्न देख के इन्वेस्ट करेंगे तो सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे जो अभी तक इंडियन इन्वेस्टर को फेस करना पड़ा है। तो इससे बाहर निकलने की मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जरूरत है। आप सेफ्टी पहले देखें, लिक्विडिटी सेकंड देखें, और उसके बाद रिटर्न देखें अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो जैसा मीठा खाना ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे सिर्फ रिटर्न के पीछे भागना आपके निवेश के लिए हानिकारक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजय जी आपने समझाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, बहुत दिलचस्प बातचीत चल रही है विजय मंत्री साहब से, और ये उनसे समझेंगे ब्रेक के बाद कि कैसे समझा जाए कि निवेश का सही समय क्या है, और अगर निवेश के सही समय की गाड़ी आपसे छूट गई है तो क्या अभी भी चांस है। जैसा विजय जी ने बोला, जब जागो तभी सवेरा, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। मन
मनी गुरु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी निवेश करने के क्या है फायदे, वेल्थ क्रिएशन का क्या है फॉर्मूला, समझ रहे हैं हम आज अपने बेहद ही खास मेहमान से। हमारे साथ है जे आर एल मनी के को फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट विजय मंत्री। विजय जी, ये समझना आपसे चाहते हैं कि कहा जाता है कि निवेश जल्दी शुरू करें, हम ये कह शुरुआत से शो के कह तो रहे हैं, लेकिन वो सही समय है क्या? कैसे पता चले कि निवेश करने का यही सही समय है? जब आपके पास पैसा हो और पैसा क्रिएट, जब आप कमाना चालू करें, पहले दिन से आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये जितना जल्दी आप इस हैबिट को अडॉप्ट करेंगे आपको उतना अच्छा फायदा होगा। जैसे अगेन वी गो बैक टू द सेम एनालॉजी, जितना अच्छा आप अपनी सेहत पे जल्दी ध्यान देना चालू करेंगे तो मिडिल एज में आपको हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, बाकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो मिड लाइफ में आपको चैलेंजेस नहीं होंगे, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के इन सबके चैलेंजेस आपको नहीं होंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बात और देखने लायक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको दो तीन चीजें एक्सप्लेन करूँ। जैसे आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, आज आपका स्टार्टिंग इनकम है, वो सपोज 8% से ग्रो हो रहा है और आपके खर्चे भी 8% पर एनएम से ग्रो हो रहे हैं, तो आपको रिटायरमेंट एज पहुंचते सपोज 60-65 साल लग जाएंगे अपना रिटायरमेंट गोल हासिल करने में। लेकिन अगर आपकी इनकम 8% बढ़ रही है लेकिन आप अपने खर्चों को खाली 7% ही बढ़ाते हैं, 8% पर एनएम नहीं बढ़ाते हैं, तो जो रिटायरमेंट आपकी 60 साल है वो करीब 48-50 साल हो जाती है। मतलब अगर आपने खाली अपने खर्चे 1% कम किए अपनी आय के मुकाबले तो आपका रिटायरमेंट गोल करीब करीब 10 साल पहले पहुंच जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जहां भी इन्वेस्ट करो वहां टैक्स एफिशिएंसी होनी चाहिए और पावर ऑफ कंपाउंडिंग होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आपने FD में पैसा इन्वेस्ट किया तो वहां कंपल्सरी TDS लगता है, 10% टैक्स ब्रैकेट में है आप, 20% में, 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो हर साल आपका टैक्स कटता जाता है, इसलिए आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी काफी इंपैक्ट होता है। अगर सेम इंस्ट्रूमेंट जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और सपोज FD और दोनों में सेम रिटर्न आ रहा है लेकिन FD में आपका हर साल टैक्स कटने से पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे इंपैक्ट होता है, तो रिटर्न सपोज तीनों ने, गोल्ड ने, डेट म्यूचुअल फंड ने और FD ने एक जैसे रिटर्न दिए हैं लेकिन ये टैक्स की वजह से अगेन आपका रिटायरमेंट लाइफ 6-12 साल आगे बढ़ जाता है खाली FD में इन्वेस्ट करने की वजह से। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर को टैक्स एफिशिएंसी देखना बहुत जरूरी है। और तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सपोज आप किसी भी कारण से समय पे चालू नहीं कर पाए तो अभी चालू करिए और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 8-10% बढ़ाते रहिए। सपोज आपने इस साल 10,000 रुपए की SIP से चालू किया, अगले साल इसको 11,000 की SIP करने की कोशिश करें, उसके बाद इसको 12-13, अगर ऐसा बढ़ाते रहेंगे तो आपका कॉर्पस अचीव करने में आपको बहुत सहूलियत हासिल होगी। तो अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम लॉजिक, खर्चा जितना आप कम करेंगे उतना आपके फायदे में रहेगा, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न की तरफ जाएंगे आपको फायदे में रहेगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप अपने फेवर में काम करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। विजय जी, ये बात भी जरा समझाएं कि निवेश अगर जल्दी शुरू करते हैं लंबे समय के लिए इक्विटी को सही माना जाता है, तो जैसे जैसे निवेशक अगर उसकी शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है, माने अपने 20s में ना करके 30s में ना करके 40s में निवेश की शुरुआत ही कर दी, तो क्या फिर भी इक्विटी ही राइट चॉइस है? बिल्कुल इक्विटी राइट चॉइस है, क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि आप 80 साल तक 75 साल तक जियोगे, तो अगर आपने 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है तो अगेन यू एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 30-35-40 साल तक आप जियोगे, तो 40 साल के बाद भी आपकी 10-20 साल कम से कम वर्किंग लाइफ है। और इक्विटी में मिनिमम होल्डिंग पीरियड एकदम आपने 10 साल क्रॉस कर दिया तो बाय एंड लार्ज सारी एसेट कैटेगरी को बीट करती है। आपने रिटायरमेंट कॉर्पस इक्विटी के थ्रू क्रिएट कर लिया सपोज एकदम, उसके बाद सपोज उस कॉर्पस में किसी भी कारण से मार्केट गिरने की वजह से वो कॉर्पस गिर जाता होता है, हमने देखा कई बार कि सपोज आपने 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, मार्केट गिरा, वो 1 करोड़ 80 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, 60 लाख हो गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि रिटायरमेंट का कॉर्पस है, आप सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं निकाल रहे हैं, आप पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो जैसे वॉलेटिलिटी काम, एसआईपी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं एसआईपी कट थ्रू वॉलेटिलिटी, क्योंकि नीचे के मार्केट में आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं। सिमिलरली रिटायरमेंट फेज के अंदर उसका बिल्कुल उल्टा काम होता है कि ज्यादा प्राइस पे आपको कम यूनिट रिडीम कर रहे हो आप। तो अगर रिटायरमेंट कॉर्पस आप 40 साल इवन 45 साल इवन 50 साल की उम्र में आप चालू करें लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो इक्विटी से कंपैरिजन में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इंस्टेंट लिक्विडिटी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, टैक्स एफिशिएंसी है और आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो निवेश में अनुशासन बहुत ज्यादा मैटर करता है, डिसिप्लिन, जैसा लाइफ में डिसिप्लिन अपनी लाइफ को सेट करने के काम आता है, वैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। विजय जी, निवेश में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। अगेन आई विल गो बैक टू द सेम एनालॉजी, अगर आप किसी ट्रेनर को हायर करते हो और पूछते हैं कि भाई किसको हेल्दी नहीं रहे तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है, एक्चुअली सबसे बड़ा रिस्क है कि वो जो आदमी ट्रेन होना चाहता है वो टाइम पे उठे नहीं, टाइम पे वर्कआउट नहीं करे। तो सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्टिंग के अंदर एक्चुअली इन्वेस्टर का बिहेवियर ही है। मार्केट अपने तरीके से चलेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पैसा डाल के रखना है। लेकिन आपको मन में मान के चलना चाहिए कि इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगा, आप ये देख के पैसा डालें, ये देख के पैसा नहीं डालें कि पिछले एक साल का, तीन साल का, पांच साल का रिटर्न क्या आया। 20-20 साल का रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20-18% CAGR है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक साल में 50% पोर्टफोलियो नीचे गया है, तीन साल में 30% पोर्टफोलियो नीचे गया है, पांच साल और सात साल के ऊपर ही पॉजिटिव रिटर्न आया, एफडी बीटिंग पॉजिटिव रिटर्न आया है। तो जब भी आप इक्विटी में पैसा डालें इस बात का खाली ख्याल रहे कि जब मार्केट 10% 20% 30% 40% 50% गिरे, आपका पेट का पानी नहीं हिले, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर आता ही है। लेकिन उस टाइम अगर आपने रिडीम कर लिया तो आपका जो पेपर लॉस है आप उसको एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो। तो सबसे बड़ा रिस्क मुझे लगता है इन्वेस्टर का बिहेवियर है, इन्वेस्टर को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। सोच समझ कर निवेश हमेशा से करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट में अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपका लक्ष्य, कितने टाइम तक आप निवेश कर रहे हैं, आप कितना पैसा लगा रहे हैं, ये सब बहुत ही ज़रूरी है एक नए निवेशक के लिए। और जल्दी निवेश करने से कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, कैसे वेल्थ क्रिएशन करने में आसानी मिलती है, उसका फॉर्मूला विजय जी आपने बहुत ही दिलचस्प ढंग से और बहुत ही आसान तरीके से हमारे दर्शकों को आज समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। तो इसी के साथ आज के इस स्पेशल मनी गुरु शो में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ और खास कार्यक्रम हम आपके लिए और नए निवेशकों के लिए खास तौर पर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।